Students, a very good morning to all of you. Here Hemlata ma'am is once again. Students, I am going to continue your topic, that is simple compound and complex. Students, आपको मैं ये जो टॉपिक है आपका सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये आपको मैं अब शॉर्ट में करवाऊंगी, बिकॉज ये आपको मैंने सिलेबस में नहीं डाला हुआ, क्योंकि आपको जो सिलेबस मैंने लिखवाना है तो वो आपको पीडीएफ उसकी सेंड कर दी जाएगी, तो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये आपको मैं शॉर्ट में ही करवाऊंगी. सो कम टू द पॉइंट. तो फर्स्ट मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताऊंगी कि सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं. अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका एक ही क्लॉज होता है. तो क्लॉज मैंने आपको क्लियर करवाया था कि क्लॉज क्या होता है. वन इज योर सब्जेक्ट एंड दैट वन एंड नेक्स्ट वन इज योर फाइनेट वर्ब. तो फाइनेट वर्ब और सब्जेक्ट मिला के आपका क्लॉज बनता है. तो सिंपल सेंटेंस में आपका एक ही क्लॉज होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ पेन. वॉज शी गोइंग बैक टू हर होम. तो ये देखिए कि यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल इसके लिए कि ही हैज़ अ पेन, तो ही हैज़, तो यहाँ पे एक ही क्लॉज है. इसके आगे ना ही आपको सब्जेक्ट दिया गया है, ना ही आपको वर्ब दी गई है. तो ये आपकी होती है सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसकी, जैसे आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. तो इसमें भी देखिए आपका एक सब्जेक्ट है, एक आपकी इसमें वर्ब है. तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आगे भी लिखी हैं, ये आप देख लीजिएगा. तो नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस. तो कंपाउंड सेंटेंसेस, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइन टुगेदर वाई अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया हुआ है, ये क्या कहते हैं कि टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइन होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिसको नीड नहीं होती है किसी और मतलब क्लॉज की उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. टू आर मोर मतलब वन नहीं होता, वन क्लॉज होता है सिंपल सेंटेंस में, बट कंपाउंड सेंटेंसेस में आपके टू से ज़्यादा होते, टू होते हैं या टू से ज़्यादा क्लॉजेज इसमें होते हैं. प्लस इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो यूज़ की जाती है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे बट हो गया, आर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, जेट हो गया, सो हो गया, तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है. तो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की नीड होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आई लाइक यू, आई लाइक राहुल, आई डोंट लाइक रवि. तो यहाँ पे तीन जो हैं वो अलग अलग क्लॉजेस दिए गए हैं. फर्स्ट है इसमें आई लाइक यू, नेक्स्ट आई लाइक राहुल, और थर्ड वन इज आई डोंट लाइक रवि. तो इन सेंटेंसेस को अब हमने कंबाइन करना है. तो हम कैसे करेंगे, हम इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करेंगे, फिर हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे. अगर हम इसको ऐसे सिंपल लेते हैं तो ये क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनता. अब हम इसको कंबाइन करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ, फिर आपका ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है आपकी एंड, व्हाट, आर, ये यूज़ होगी. तो देखिए इसकी एग्जाम्पल, आई लाइक यू एंड राहुल, तो इसमें एंड का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट वन, बट आई डोंट लाइक रवि, तो मैं रवि को लाइक नहीं करता. तो इसमें देखिए आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ऐड करके यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है. तो ये आपके होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस मीन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो जॉइंट होते हैं, तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है. नेक्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट उसके नाम से ही आपको पता है कि डिपेंडेंट क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो वो आपका होता है डिपेंडेंट क्लॉज. और इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में कंप्लीट हो, जिसको कंप्लीट करने के लिए किसी और की नीड नहीं होती, वो होता है इंडिपेंडेंट. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करके बनाया जाता है. इसको कंबाइन करने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होती है उसकी नीड होती है. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मीन्स व्हेन, इफ, सिंस, अनटिल, ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है. बिकॉज हो गए, तो ये सारी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जोड़ के आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है. अब इसमें देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम, कि जब मैं घर पहुंचा, व्हेन,
तो क्या हुआ, अब ये देखिए सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसको नीड है दूसरे क्लॉज की, एक डिपेंडेंट क्लॉज की, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की नीड है। व्हेन आई रीच्ड होम, कि जब मैं घर पहुंचा, तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरे क्लॉज की नीड होगी। आई कॉल्ड हिम, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज को लगा के हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, वो आपको खुद करनी पड़ेंगी, वो देख लेना आप। तो कॉम्प्लेक्स ये जो आपका टॉपिक है सिंपल कंपाउंड, तो ये मैं आपको पेपर में नहीं डालूंगी, तो इसलिए ये आपको मैं शॉर्ट में ही करवाऊंगी। जो सिलेबस है वो भी मतलब आपको इतना ही करना है जितना मैंने दिया हुआ है, ये आपका टॉपिक नहीं होगा इसमें। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर कम्प्लीट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा मतलब ब्रॉडली आपको नहीं करवाऊँगी, डीपली आपको नहीं मतलब होगा ये, तो आपको इतना ही करना होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।